इस टॉपिक के अंदर हम जो प्रीवियसली हम करते आ रहे हैं वन बाय वन कमांड्स हम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं मॉडिफाई कमांड को और हम तीन कमांड्स को इस टॉपिक के अंदर क्लियर करते हैं पहली कमांड जो है अरे कमांड जो कि बहुत ही हमें असिस्ट करती है पर्टिकुलरली इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग जब हम मीटीरियल फिक्सचर की बात करेंगे एक घर हमने से डिज़ाइन कर लिया है घर हमारा बन चुका है उसके अंदर फ़र्ज़ करें हम लिविंग एरिया जिसके अंदर हमारी नॉर्मली टी लगी होती है एल या एल और उसके अंदर अगर हमने अपनी टेबल्स की प्लेसमेंट करनी है हमने चेयर्स की प्लेसमेंट करनी है उसको हम देखेंगे या किसी तरह का मेनली बाज़त हमने एक टेबल के गर्द मल्टीपल चेयर्स अगर हम जब जब सर्कुलर टेबल की बात कर रहे होते हैं वहाँ पे लगानी होती हैं तो इंटीरियर्स के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह हम एक कमांड को इस्तेमाल करते हैं इसी के साथ पैरेलल जो है वो रोटेट बाज़ात हमें अ, सर्टेन एंगल के ऊपर चीज़ों को रोटेट करना होता है उस कमांड को भी हम देख लेंगे और देन स्ट्रेच कमांड इन रोटेट जो है या स्ट्रैच कमांड इनको किसी ना किसी तरह से ऑलरेडी हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं इस जो हमारी ट्यूटोरियल है टॉपिक है इसके अंदर ज़रा हम इन डेप्थ और इन डिटेल इन तीनों कंपोनेंट्स को देख लेते हैं कि किस तरह इन तीनों कमांड्स को हम ऑटो कैड में इस्तेमाल करते हैं तो बढ़ते हैं कैड की तरफ ताकि हम इन कमांड्स को ऑपरेट करें कैड के अंदर हमारी प्रीवियस ड्राइंग हमने इसको यहाँ पर कम्प्लीट किया इन लाइन्स डिलीट कर देते हैं और हम वन बाई वन इस टॉपिक की क्विकली परफॉर्म करते हैं कि किस तरह हम तीन कमांड्स को तो सबसे पहले हम जो है वो रोटेट कमांड का इस्तेमाल देख लेते हैं से फ़र्ज़ करें कोई भी लाइन हम आर्थो ऑन कर लेते हैं और हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की है किसी भी डायमेंशन की और अब हम इसको रोटेट करना चाह रहे हैं किसी भी एंगल के ऊपर किसी भी प्लेस के ऊपर तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और अब इस रोटेट करने के लिए अगेन हमारे पास दो ऑप्शन है हम मॉडिफाई मेन्यू के अंदर भी जाके कर सकते हैं या हम सिंपल आर ओ रोटेट की कमांड हम जैसी कमांड लगाते हैं अगेन सेम मैसेज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर अब जैसे ही आपने एंटर का बटन प्रेस किया अब क्योंकि आर्थो ऑन है तो फिलहाल ये हमें रोटेट के सिर्फ़ वो ऑप्शन दे रहा है जो 90 या उसके मल्टीपल एंगल पे हैं वन एटी टू और हम यहाँ से अगर हम आर्थो ऑफ कर देते हैं तो अब हमारे पास मल्टीपल अगर हम चाहें तो ख़ुद से भी कोई एंगल रोटेशन एंगल स्पेसिफाई कर सकते हैं या आप चाहें तो आप इजीली इसको किसी भी एंगल के ऊपर रोटेट कर सकते हैं सो दिस इज़ हाउ आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी लाइन को अब हम एक कोई रेक्टेंगल लगा के उसको भी देख लेते हैं रोटेट करना सपोज दिस इज़ आर ओ इसको हमने सेलेक्ट किया एंटर अब क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो कोई हम बेस पॉइंट देंगे जिसके गिरदी रोटेट करेगा अब जैसे ही आप बेस पॉइंट स्पेसीफाई कर रहे हैं सो नाउ ही इज़ गिविंग यू ऑप्शन ये आप देखें और आप इसको जिस एंगल पे भी आप फोर्टी फाइव पर रखेंगे तो ये फोर्टी फाइव पर रोटेट हो चुकी है तो इस तरह आप या तो अगर आपको नाउन एंगल है तो आप उस एंगल को खुद से लिखेंगे और अगर एंगल नाउन नहीं है तो हम उसको किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर चाहें तो रोटेट कर सकते हैं इसको हम डिलीट करते हैं सो so, ये अगेन एक रेक्टेंगल हमने ड्रा की और आर ओ एंटर रोटेट के बाद हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और इन सारी मॉडिफाई की जो ज़्यादातर कमांड्स हैं उसमें जब हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद वो हमसे बेस पॉइंट लाजमी पूछता है जिस पॉइंट को बेस बना के हम वो कमांड परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अब अगर हम चाहें तो ये वाला पॉइंट ले लें तो अब इस पॉइंट को आप बेस बना के किसी भी तरफ इसको रोटेट कर सकते हैं इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं स्ट्रेच कमांड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आसान कमांड भी है एग्जीक्यूट करने के लिए ये हमारे पास स्ट्रेच के लिए दो तीन ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं एक तो मॉडिफाई है दूसरा जो है ये फ़र्ज करें आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट ना करें और आप एस एंटर करें और आप सेम सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट अब भी आपके पास स्ट्रेच की ऑप्शन है और जो सबसे आसान मेथड है फ़र्ज करें ये हमारा ऑब्जेक्ट है आप इसको सिंपल सेलेक्ट कर लें और ये आप ड्रैग कर सकते हैं आप इसको शॉर्टन कर सकते हैं आप इसकी लेंथ को बढ़ा सकते हैं आप चाहें तो किसी भी कॉर्नर से पकड़कर इसको डाइगनली आप शॉर्ट कर सकते हैं सो so, इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं लाइक like, ये हमारे पास स्ट्रेचिंग के ऑप्शन है अगेन थ्री ऑप्शन हम कर सकते हैं मॉडिफाई में से भी आपके पास ऑप्शन है एस भी हम मैंटर कर सकते हैं बट मोस्ट प्रेफरेबली क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब वर्क कर रहे होते हैं से एक रेक्टेंगल ही क्यों नहीं है तो आप इसको जस्ट सेलेक्ट करें और ये आप ये सिलेक्टेड है तो मिड पॉइंट भी इसके हाईलाइटेड हैं एंड पॉइंट भी हाईलाइटेड हैं तो आप किसी भी पॉइंट से इसको यू कैन ईजीली स्ट्रेच बाकी आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक की जो लास्ट कमांड हम करने जा रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट कमांड भी है जिसका हाउस uh, प्लान के अंदर भी इस्तेमाल है और वैसे भी आगे किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपको इस कमांड को इस्तेमाल करना पड़ सकता है एंड दैट इज़ अरे कमांड अब अरे कमांड अगर हम जाके मॉडिफाई में से एक्सेस करें ये हमारे पास अरे है तो रेक्टेंगुलर पाथ और पोलर अरे हमारे पास मल्टीपल अरे ये पोलर अरे जो है ये ज़्यादा नॉर्मली यूज़ किया जाता है और ये इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी हम इस्तेमाल हम करते हैं इसे सो तो, ए आर इसकी शॉर्ट की हमारे पास ए आर है हम जैसे ए आर एंटर करते हैं तो हमारे पास मैसेज जो है वो आ रहा है कि आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इसका मतलब है हमें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत है तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेते हैं अब अरे करेगा क्या उसी ऑब्जेक्ट के मल्टीपल कॉपीज कर देगा किसी भी पॉइंट के गिर्द जो हम करना चाह रहे हैं रेक्टेंगुलर अरे डेफिनेटली जिस तरह बात रेक्टेंगल से ही क्लियर है कि वो उसके रोज और कॉलम बना लेगा लेकिन सर्कुलर जो हमारा अरे होगा तो उस वक्त जिसको हम पोलर अरे भी कहते हैं उसमें हम कोई एक पॉइंट स्पेसिफाई कर देंगे उस पॉइंट के गिर्द से वो क्यों टेबल का सेंटर ही क्यों नहीं है कोई भी पॉइंट जिसके गिर्द हम प्लेसमेंट्स करना चाह रहे हैं तो हम वन बाय वन दोनों को यहाँ परफॉर्म कर लेते हैं सो ये क्योंकि मुझे कह रहा है कि आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें ऑब्जेक्ट अभी हमारे पास नहीं है हम यहाँ पे स्केप का या एंटर का बटन प्रेस करके इस कमांड को एंड करके कोई भी से ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है अब इस रेक्टेंगल को कि मैं मल्टीपल कॉपीज करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये रेक्टेंगुल है तो हम रेक्टेंगुलर अरे स्टार्ट करते हैं सो ए आर एंटर जैसे ही आप ए आर एंटर करते हैं आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं अभी हम रेक्टेंगुलर के ऊपर हैं यस yes, हम रेक्टेंगुलर ही कर लेते हैं इसको जैसे ही हमने क्लिक किया तो ख़ुद ब खुद उसने इसकी थ्री बाय फोर थ्री रोज़ हैं और फोर इसके उसने कॉलम बना दिए हैं अब अगर आप नीचे आएँ तो आप बहुत सारी चीज़ें खुद से चेंज कर सकते हैं बेस पॉइंट भी चेक आप इवन के काउंट चेंज कर सकते हैं स्पेसिंग बिटवीन रोज एंड कॉलम भी आप बढ़ा सकते हैं फिर हमारे पास कॉलम और रोज़ भी हम तब्दील कर सकते हैं तो से मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ अब मैं जैसे ही कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ तो अभी चार हैं और सपोज़ हम इसे दस कर देते हैं तो विल सी कि क्या ये दस तो जैसे ही मैंने दस कॉलम किए हैं आप नोट करें स्क्रीन पे और वो अब मुझसे अरे स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन कॉलम वो कॉलम के दरमियान का फासला भी पूछ रहा है अगर आप चेंज करना चाहते हैं और अगर आप एज इट इज़ इसको चलाना चाहते हैं तो आप ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो कमांड अगर हम एज इट इज़ लेना चाह रहे हो तो जस्ट एंटर हम प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास दस कॉलम बन चुके हैं अब अगर हम रोज़ में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं पहले थ्री हैं सपोज हम इसको एट करना चाह रहे हैं इसको एंटर करें तो इस तरह हम ईज़िली जो है वो रेक्टेंगुलर अरे कर सकते हैं अब ये तो आ, रेक्टेंगुलर अरे था जो ज़्यादा जिस चीज़ का हमें यूज़ करना पड़ता है जिस जिस अरे कमांड का वो हमारी है पोलर या जिसको हम सर्कुलर अरे भी कह रहे होते हैं अब हम क्या करते हैं से दिस इज़ टेबल और ये हमारी लिविंग रूम के अंदर मौजूद है अब हमारे पास कोई भी चेयर्स हैं किसी भी डिज़ाइन की और हम चाह रहे हैं तो वो इस टेबल के गर्द सर्कुलर अरे में आ जाए नॉर्मली ऐसा ही होता है सो so, सपोज़ मैं अभी कोई सर्कल लगा लेता हूँ और हम कंसीडर करते हैं कि ये सर्कल जो है ये हमारा कोई भी चेयर है चेयर का डिज़ाइन है जिसको हम किसी भी आठ दस जितने भी दफ़ा हम इस इस रेक्टेंगल या इस टेबल के गर्द प्लेस करना चाहते हैं सो so, हम अरे कमांड ए आर एंटर ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे जिसको हम प्लेस करना चाह रहे हैं उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं पोलर और सर्कुलर हम पोलर अरे को यहाँ करेंगे अब वो पूछ रहा है कि आप स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ रे अब वो हमसे सवाल क्या कर रहा है कि आप जिस पॉइंट के गिर्द जिस टेबल के गिर्द आपने इसको प्लेस करना है उसका सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करें अब मैं माउस को यहाँ पे कर्सर को रोटेट कर रहा हूँ बट मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रही तो अब मैं अगर आपको याद हो स्नैप सेटिंग्स हम जाके चेक करेंगे अपनी और हम देखते हैं कि क्या वहाँ स्नैप सेटिंग में ऑब्जेक्ट स्नैप के अंदर तो हम यहाँ पे इन ऑप्शंस को फिलहाल सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं ताकि ये सारे ऑप्शंस हमारे सिलेक्ट हो जाएं और यहाँ पे हमें मिड पॉइंट की ऑप्शन भी नज़र आ रही है अब दोबारा हम ए आर अब डिफरेंस देखिएगा अब ए आर एंटर मैंने इस सर्कल को सिलेक्ट किया हमने एंटर किया एंटर करने के बाद हमारे पास ऑप्शन हैं अब ऑप्शन के बाद अब वो मुझे पूछ रहा है कि आप सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करें आपने जैसे सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया ख़ुद ब खुद उसने डिफरेंट प्लेसमेंट के ऊपर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जो कि मैंने सर्कल बनाए थे आपकी सपोज ये चेयर्स होंगी या कोई ऐसी भी चीज अब नीचे अगर आप आए तो इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं आप चाहें तो इनको रोटेट करना चाहें इसके एंगल देना चाहें एंगल बिटवीन तो ये सारे ऑप्शंस आपने वन बाय वन जो है वो एग्जीक्यूट करने हैं परफॉर्म करने हैं मेन थीम जो है हमने यहाँ पे कवर कर लिया है कि अरे का पर्पस जो है वो क्या है दो अरे हमने देखे हैं एक रेक्टेंगुलर देखा और मेनली पोलर अरे कि आप किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर बनाकर अगर उसके इर्द गिर्द, गिर्द कोई ऑब्जेक्ट पेस्ट करना चाह रहे हैं तो ऑल यू नीड टू डू इज ए आर एंटर जिस ऑब्जेक्ट को आप चाह रहे हैं कि वो इसके गिर्द प्लेस हो उसे सेलेक्ट करेंगे और जिस ऑब्जेक्ट के गिर्द आप चाह रहे हैं उसका आप सेंटर पॉइंट देंगे तो उस सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई करके वो आपका ईजीली जो है वो यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को पेस्ट करेगा उसके साथ हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन जो हैं वो मौजूद हैं आप चाहें तो उनको चेंज कर सकते हैं ये अगेन अगर आप नोट करें सो हमारे पास एंगल की ऑप्शन है हमारे पास डिस्टेंस की अगर आप बेस पॉइंट बना के देना चाह रहे हैं तो इन ऑप्शन को आप वन बाई वन एक्सप्लोर करेंगे तो इस तरह हम हर एक कमांड और इससे पहले जो हमने एसोसिएटेड कमांड्स देखी हैं हम ऑटो कैड में एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी हमने इस टॉपिक के अंदर अरे रोटेट और स्ट्रेच कमांड को जो है वो कवर किया है और मेनली बाकी दो कमांड्स तो बहुत आसान थी अरे कमांड को हमने क्विकली देखा और हमने देखा कि किस तरह इंटीरियर फिक्सचर्स के अंदर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं या आगे कोई ऐसा प्रोजेक्ट अगर जिसमें हमने कोई एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करना हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द सर्टेन नंबर उसके देने हो आठ नौ दफ़ा पेस्ट करना हो या किसी डिस्टेंस पे देना हो या किसी एंगल पे देना हो तो हम इजीली उसको कैड के अंदर दे सकते हैं